वेलकम बैक। और दोस्तों अभी हमारा चल रहा है भाई यहाँ पे नागली का, जो हम हमारे इसमें बोलते हैं नागली का पेट, जो कि अभी हम बना रहे हैं क्योंकि दोस्तों आज है होली, तो होली का स्पेशल भाई हमारे यहाँ पे ना नागली का पेट खाते हैं यार। तो इसे ऐसा बनाना होता है भाई, बहुत खतरनाक प्रोसेस है भाई इसकी। मामी आना तुम्हें पकड़ाना है, नहीं सकते। तो यहाँ पे अभी ना हमारा प्रिपरेशन चल रहा है होली का। कैसे भाई ऐसे ना पाट पाट अच्छा भाई स्पीड खाने के लिए भाई हमारा जो कलर है दोस्तों वो भी रेडी हो चुका है यार। ये देखो यार, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है दोस्तों, हमने ना इसे घर पर ही बनाया है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है यार। तो ये इजी भी यार निकलने में। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अभी हमारे ध्रुव भाई भी आ चुके हैं। कलर 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 पहले कलर भाई कलर 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 सामने इकड़े 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 बस बस इधर साम। ध्रुव भाई हैप्पी होली। विशाल भाई विशाल भाई विशाल भाई विशाल भाई अभी सोकर उठा है ऐसा लग रहा है। चलो चलो साई चलो आ जाओ बाहर। ये भाई हैप्पी होली ध्रुव। अभी ध्रुव को पूरा काला करना है। अभी तो स्टार्टिंग हुई भाई हमारी, अभी तो स्टार्ट है भाई, ठीक है। हैप्पी होली। अभी कलर्स तो काफी यार हमने उड़ा लिए। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं ध्रुव के पास, तो चलो भाई निकलते हैं। चलो भाई अभी जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करते और निकलते हैं। मामू को भी ना बोला भाई। अभी हम दोस्तों लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये है भाई अभी हमारा लोकेशन। तो यही पे अभी हम नहाने वाले यार। ध्रुव का जो फार्म है ना इकड़े साइड में ही है, और यहाँ पे ना एक गुफा भी देखा है हमने। ये देखो भाई सामने एक गुफा है भाई पूरे। वेलकम बैक। और दोस्तों सारे भाइयों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। सिम्बा हो गया, ये हमारी स्कूबी हो गई। अभी ये दोनों बहुत अच्छे से फ्रेंड हो चुके हैं, बट यार हमारे रस्टी यार पता नहीं मैडम क्या करती है भाई हमारे स्कूबी को, बहुत ज्यादा डरती है। ये सिर्फ यहाँ पे ही रहती है यार। ये देखो बहुत ज्यादा डरती है भाई, पता नहीं यार इतना क्यों डरती है यार। हमारे स्कूबी तो उसको कुछ नहीं कहती भाई। सिम्बा और स्कूबी अभी बहुत अच्छे से दोस्त हो चुके हैं दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारे यहाँ पे सनफ्लावर का फूल आया था सूखने के लिए ऊपर छोड़ दिया था, जो कि अभी पूरी तरह से सूख चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसमें से ना सारी जो बीज है ना निकाल लेता हूँ साइड में। अभी तो हमारे पास बर्ड वगैरह नहीं है, जब बर्ड आएंगे हम उनको दे देंगे, नहीं तो मैं थोड़ी बहुत खा लूंगा भाई। भाई एक फूल से ना दोस्तों इतनी सारी बीज निकली है जो कि अभी प्रॉपर सूख भी चुकी है। ये देखो भाई इसे फोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देख सक तो ये देख सकते हो दोस्तों अभी ये प्रॉपर पक चुकी है और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है भाई। तो कल परसों ही मैं मार्केट गया था और मार्केट से हमारे सेटअप के लिए मैं श्रिम्प भी लेके आ गया था। आपको पता होगा मैंने 24 श्रिम्प लाए थे, जो 12 श्रिम्प थे वो ब्लैक कलर में थे और जो 12 श्रिम्प थे वो रेड कलर में थे। और आपको पता ही होगा यार वो श्रिम्प हमने यहाँ पे शिप कर दिए थे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अभी हमारा जो सरप्राइज है, मतलब यहाँ पे तो इस वाले सेक्शन में तो मैं पूरी गप्पीज ही रखने वाला हूँ दोस्तों। तो वहाँ पे मैंने श्रिम्प रख दिए थे क्योंकि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने सारे श्रिम्प मिक्स करके वहाँ पे रख दिए थे। तो आज हमें क्या करना है, उनके लिए एक सेटअप बनाना है, ठीक है। रेड श्रिम्प के लिए एक अलग सेटअप होगा और जो ब्लैक श्रिम्प होगी उनके लिए एक अलग सेटअप होगा। तो आपको बता दो भाई मेरे दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है। तो दोस्तों एक ये वाला टब हो गया हमारा जो कि इसमें वाटर पॉपी लगी हुई है, और ये हमारा सेकेंड वाला टब हो गया जिसमें इसमें भी वाटर पॉपी लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी हमें अंदर लेके जाना है, आपको बताता हूँ भाई कहाँ पे। तो अंदर लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हॉस्पिटल टैंक हुआ करता था, बट आज तक तो मैंने इसे यूज नहीं किया यार, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे कुछ मॉलीज गप्पीज मतलब सारा कुछ मैंने यहाँ पे मिक्स रखा था, और वाटर पॉपी मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी थी, जो कि आप देख सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये फील भी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, मॉर्निंग में ही यहाँ पे अच्छे से सनलाइट आती है और वाटर पॉपी को अच्छे से सनलाइट मिलने की वजह से अच्छे से ग्रो भी हो पाई है। तो मैंने सोचा कि भाई दोनों टब यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, और एक में मैं रेड श्रिम्प ऐड कर देता हूँ और एक में हमारे ब्लैक श्रिम्प ऐड कर देता हूँ, और हम अंदर में हमें ना वाटर पॉपी लगा देंगे। और जो हॉस्पिटल टैंक है अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं यार, अभी मतलब हमारा ज्यादा यूज भी नहीं हुआ है। तो अभी मैं ये निकाल लेता हूँ और यहाँ पे एक टब रख देता हूँ और यहाँ पे एक टब रख देता हूँ। ये मैं बाहर भी शिफ्ट कर सकता था, बट बाहर क्या है ना दोस्तों ग्रीन वाटर हो जा रहा है यार, तो इसी की वजह से मैं इनको अंदर रखूंगा और अंदर हम पूरा इनका देखेंगे भाई ये कैसे मतलब रहते हैं, ठीक है।
भाई मैं फर्स्ट टाइम श्रिंप रख रहा हूँ हमारे सेटअप पे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने कभी श्रिंप नहीं लाए, तो मुझे देखना है भाई ये कैसे रहते हैं, क्या क्या मतलब, ठीक है ना। और मुझे ज्यादा पसंद आ गए तो श्रिंप में बहुत सारी वैरायटीज आती है, तो हम वो सारी वैरायटी भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चलो भाई अभी जल्दी जल्दी मैं काम पे लगता हूँ। दोस्तों हॉस्पिटल टैंक का जो वाटर है मैंने पूरा निकाल नहीं लिया भाई, अभी इतना भी बाकी, क्योंकि इसमें है भाई फिशेज, जो कि मैं अभी ये सारी फिशेज शिफ्ट करने वाला हूँ हमारे टर्टल पॉन्ड में। यहाँ का जो वाटर है मैंने इन दोनों टबों में शिफ्ट कर दिया, और इन दोनों टबों में ही हमारे अभी श्रिम्प रहने वाले। वहां पे हमारे ब्लैक श्रिम्प रहेंगे, और यहाँ पे रहने वाले हैं हमारे रेड कलर के श्रिम्प। नहीं तो रेड वहां पे रखेंगे और ब्लैक यहाँ पे रखेंगे, देखते हैं भाई। और हमारा सिम्बा देखो भाई, सिम्बा को तो भाई मतलब हर चीज में इंटरेस्ट रहता है भाई, मेरे पीछे ही रहता है भाई ये। दोस्तों यहाँ पे सारे जो फिश थे मैंने हमारे टर्टल पॉन्ड में छोड़ दिए, तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ना मैं सबके सब अभी श्रिम्प पकड़ता हूँ। यार इनको मैं कैसे पकड़ूंगा यार, बहुत छोटे यार, ठीक है ना, पकड़ में इनको भाई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला यार। तो चलो यार मैं इनको सारों को पकड़ लेता हूं, फिर मैं आपको मिलता हूं दोस्तों। दोस्तों यार मैं कब का वहां से श्रिम्प निकल रहा हूं, मुझे देखो यार रेड कलर के मुझे ना 10 श्रिम्प मिले, जो कि ये वाले हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं वो मुझे मिले यार 8, ठीक है। और मैंने यार 12 लाए थे यार मुझे, हां यार ये देखो ये अभी बाहर निकल रहे हैं यार, बट इनको ना थोड़ी देर में पकड़ लूंगा जब शांत होगा पानी। तो चलो पहले मैं इनको शिफ्ट कर देता हूं, इनका सेटअप बना लेते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो मैंने इनका जो वाटर है और इनका जो सेटअप है वो पूरा रेडी कर रखा है यार, ये देखो यहाँ पे भी। और इनका जो अभी वाटर है दोस्तों एक्लिमेट हो रहा है, 10 मिनट्स के बाद में हमारे सारे रेड श्रिम्प यहाँ पे छोड़ दूंगा, और 10 मिनट्स के बाद में सारे हमारे ब्लैक श्रिम्प यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो चलो भाई मिलते हैं अभी 10 मिनट्स के बाद। तो अभी 10 मिनट्स कम्प्लीट हो चुके हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ हमारे सारे श्रिम्प ना यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। चलो भाई जाओ हमारे ब्लैक श्रिम्प, ये देखो भाई कितने ज्यादा एक्टिव होते हैं यार ये गए दोस्तों हमारे सारे ब्लैक कलर के श्रिम्प, वाओ। और दोस्तों इनको यहाँ पे बहुत सारा हाइडिंग स्पेस है, और अभी ये जा रहे हैं हमारे रेड कलर के श्रिम्प। तो चलो भाई जाओ 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 रेड श्रिम्प, जाओ भाई जाओ 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 जाओ, तुमको मैं मिलूंगा अभी कंप्लीट 1 महीने के बाद। ये गए दोस्तों हमारे सारे रेड कलर के श्रिम्प, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया है भाई, यहाँ पे सिर्फ हमने वाटर पॉपी और एक बड़ा सा मिट्टी का एक बर्तन है, मतलब वाटर पॉपी अच्छे से ग्रो हो सके, और श्रिम्प के लिए मिट्टी और जो अलगी वगैरह है बहुत अच्छी होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे सेम सेटअप है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये वाला जो सेटअप है ना इसको हम कंप्लीट चेक करने वाले हैं 1 महीने के बाद, ठीक है। 1 महीना में इनको प्रॉपर फीडिंग दूंगा और प्रॉपर हम इनको ऐसे ही रखने वाले हैं। अभी देखते हैं दोस्तों 1 महीने के बाद हमारे श्रिम्प क्या रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे तो हमने रेड कलर के 10 श्रिम्प डाले हैं, और यहाँ पे ब्लैक कलर के हमने 8 श्रिम्प डाले हैं, तो देखते हैं भाई ये अभी कितने मल्टीपल होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई ये रिजल्ट देखने के लिए। और दोस्तों यार आपको एक और एक चीज बता देता हूँ मैं, यहाँ पे हमने कोई भाई कोई फिश ऐड नहीं की भाई, ठीक है ना, कोई भी नहीं भाई, मैंने गप्पी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है। देखते भाई यहाँ पे मॉस्किटो लार्वा वगैरह होते हैं तो हम गप्पीज वगैरह छोटे बच्चे ऐड कर देंगे, मतलब मॉस्किटो लार्वा ना हो, अभी तो मैं फिलहाल कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसे इनको प्लेन रखेंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो दूसरे फिश ऐड करेंगे तो जो श्रिम्प के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको वो खा लेंगे यार, तो इसकी वजह से मैंने कोई फिश ऐड नहीं की है, बट आगे जाकर हम गप्पीज के छोटे बच्चे ऐड कर देंगे यहाँ। दोस्तों मैं फाइटर फिश के जो फीमेल है वो भी लेके आ गया था, तो मैंने इनको यहाँ पे रखा है फिलहाल, तो ठीक है। इनके लिए भी एक बड़ा सेटअप हमें करना है, बड़ा सेटअप मतलब हमारे जो फाइटर फिश के जो मेल है ना यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको हमारे श्रिम्प का सेटअप कैसे लगा आप मुझे जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो चलो यार दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक करना। हेलो सिम्बी, सिम्बा तो मेरे साथ ही रहते हैं भाई, हमारे स्कूबी का है।